हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही कमाल का जानकारी लेके आया हूं आईफोन के लिए, जो कि आईफोन में आपको देखने को मिलता होगा सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैरियर लॉक लिखा हुआ आता होगा और सिम सपोर्ट नहीं करता होगा, ठीक है। और काफ़ी लोग इस चीज़ से बहुत ही परेशान रहते हैं, तो चलिए आज इस चीज़ को क्लियर करते हैं। मेरा भी आईफोन 15 प्लस है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे ठीक हुआ, तो सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए आप लोग, एकदम स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, हम अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम वीडियो को कम्प्लीट देखिए, आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी चलते हैं सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद में थोड़ा नीचे आइएगा आप, तो जनरल का ऑप्शन मिलेगा, तो इस जनरल में टैप कीजिएगा। उसके बाद आपको अबाउट सेक्शन देखने को मिलेगा, अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा। उसके बाद नीचे डाउन कीजिएगा तो आपको देख सकते हैं कैरियर लॉक नो सिम रेस्ट्रिक्शंस ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम भी बहुत ही परेशान हुए दोस्तों। करीबन हम 9 बजे स्टार्ट किए थे कुछ काम करने के लिए आईफोन में, क्या काम था वो ये भी बताता हूँ आप लोगों को। तो हमें काम यही था ना कि आईफोन में आप लोगों को पता होगा कि एक ही सिम यूज कर सकते हैं, और हमें दो सिम यूज करना था, एक सिम को ई सिम बनाना था। तो ई सिम में तो हम कन्वर्ट कर दिए रात के 9 बजे, ठीक है। उसके बाद में वो हमारा कन्फर्मेशन मैसेज भी आ गया, करीबन 2 घंटे के पहले ही आ गया। उसके बाद भी सिम रिमूव कर रहे हैं तो नेटवर्क उड़ जा रहा है, गायब हो जा रहा है। उसी दौरान पे हमारा ये कैरियर लॉक नो सिम रेस्ट्रिक्शन लिख के आ गया था, ठीक है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया, बहुत सारा वीडियो देखा, इतना सारा वीडियो देखा ना यूट्यूब में, लेकिन कहीं पे कोई सलूशन नहीं मिला। सारे के सारे फेक वीडियो डाल के रखते हैं बंदे। तो आप लोग ये वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको जेन्युइन वीडियो मिला है, आपको पूरी जानकारी मिलेगा क्या हुआ, कैसे ठीक हुआ हमारा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, दिखाते हैं आप लोगों को। तो हम रात भर परेशान हुए करीबन 1 बजे तक, लेकिन हमारा कुछ भी सलूशन नहीं हुआ। फाइनली हमने मोबाइल रख दिया और सो गया। सुबह में जब हम उठे, उसके बाद में हम क्या किए ना, वो सिम को, पहले वाला सिम को रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद में देख रहे हैं तो हमारा नेटवर्क वर्किंग करने लगा है बिना सिम के, ई सिम में कन्वर्ट हो गया है फाइनली। और ये जो आप देख सकते हैं नो सिम रेस्ट्रिक्शन वाला, ये अभी भी बरकरार है। और आपको दिखा दें हम कि आप देख सकते हो हमारा ऊपर में दो सिम लगा हुआ, एक ही सिम लगा हुआ है लेकिन एक इनबिल्ट हो गया है ई सिम में। जियो देख सकते हैं, जियो 5G और एयरटेल, दो सिम हमारा शो कर रहा है, दोनों वर्किंग में है कंडीशन में। आपको दिखा देते हैं कैसा दिख रहा है। आप सेटिंग में चले जाओ और मोबाइल सर्विस में चले जाना, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, मोबाइल डाटा 2 नंबर हमारा शो कर रहा है और ई सिम का भी ऑप्शन आ रहा है, ये देख सकते हो। सॉरी, गलत टाइप हो गया। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इस चीज़ के लिए कभी भी आप परेशान ना होए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हुआ था इस वीडियो के चक्कर में, ये आईफोन के चक्कर में। लेकिन वो आपका क्या कहते हैं, कैरियर लॉक जो लिखा हुआ आ रहा है ना, उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका मोबाइल का नेटवर्क 100% वर्किंग करेगा, ठीक है। बस आप अच्छे से अपना ई सिम को कन्वर्ट कराइए, उसका भी वीडियो आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा। और अगर आप लोग को चाहिए परफेक्ट वीडियो ई सिम करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको वो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को। ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।